hello and welcome friends myself sanket so today i will be teaching you cost audit uh, it comes for approximately 20 marks in the paper cost and management accountancy so it will come approx for 20 to 25 marks so i will teach you in brief you have to read this book after my teaching for a detailed view i have taken out summary notes नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सो कॉस्ट ऑडिट सो दो चीजें रहती है फ्रेंड्स एक रहता है कॉस्ट रिकॉर्ड एक रहता है कॉस्ट ऑडिट सो वॉट इज कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट रिकॉर्ड पहले तो मैं आपको एक डिफाइन कर दू कि कंपनी कंपनी दो टाइप की रहती है इन ले मैन लैंग्वेज यानी एकदम आपको समझाने के लिए जो बुक में है तो कंपनी इज ऑफ टू टाइप्स वन इज रेगुलेटेड अनदर इज नॉन रेगुलेटेड ठीक है इन दोनों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अगर इनका टर्नओवर 35 थर्टी फाइव करोर्स है इफ़ टर्न ओवर इज इक्वल टू और मोर देन 35 फाइव क्रोर्स कीप कॉस्ट रिकॉर्ड यानी रूल थ्री कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी हो रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड, पर उसका टर्नओवर 35 थर्टी फाइव से ज़्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड रखो ओके इज़ दैट क्लियर और इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एज पर एम एस एम ई डी एक्ट जो है उनको कॉस्ट रिकॉर्ड रखने की गरज नहीं है यानी अगर उनका पैंतीस करोड़ भी रहा या उससे ज़्यादा भी रहा तो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज जो कि डिफाइंड है एम एस एम ई डी एक्ट के हिसाब से उनको रखने की गरज नहीं दिस इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट रिकॉर्ड इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स जो जिस्ट है ये बुक की वो मैं यहाँ पे निकाला हूँ अब ये रूल थ्री हो गया रूल फोर कॉस्ट ऑडिट दिस इज इम्पॉर्टेंट सो व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट यानी उस वो भी वैसे ही कंपनी दो टाइप की है रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड तो रेगुलेटेड वालों को कॉस्ट ऑडिट कब कराना पड़ेगा अगर फिफ्टी करोर्स उनका टर्न है सब प्रोडक्ट का यानी सब प्रोडक्ट समझो एक कंपनी है तीन प्रोडक्ट बनाती है तो तीनों का मिला के पचास करोड़ से ज़्यादा है या पचास करोड़ है और ट्वेंटी फाइव फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट यानी ये दो कंडीशंस है जो पूरी करनी पड़ेगी फिफ्टी करोड़ फॉर ऑल प्रोडक्ट तो है एंड लिखा है एंड यानी प्लस ट्वेंटी फाइव फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और इसके अंदर एग्जाम्पल में आते हैं शुगर फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी गैस एट्सट्रा सो इज जस्ट क्लियर रेगुलेटेड सेक्टर के लिए फिफ्टी करोड़ फॉर ऑल प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट मिलाते होंगे सबका एग्रीगेट या टोटल करके फिफ्टी करोड़ और हर एक प्रोडक्ट का ट्वेंटी फाइव करोड़ ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए तो कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा वो कंपनी को नॉन रेगुलेटेड के केस में जैसे मैंने बोला कंपनी दो टाइप की है रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड रेगुलेटेड का मैंने बता दिया नॉन रेगुलेटेड के अंदर हंड्रेड क्रोर्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स सब प्रोडक्ट मिला के हंड्रेड क्रोर्स और इंडिविजुअल के लिए थर्टी फाइव क्रोर्स यहाँ फिफ्टी था ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ हंड्रेड हो गया है यहाँ ट्वेंटी फाइव था यहाँ प्लस टेन कर दीजिए थर्टी फाइव हो गया है और इसके अंदर एक्सेप्शन है यानी पूरे सीनरियों के अंदर इफ़ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट और ऑपरेटिंग इन एस हेड देन नो कॉस्ट ऑडिट यानी मैं आपको एकदम ब्रीफली वापस समझाता हूँ रेगुलेटेड के अंदर 50 करोड़ सब प्रोडक्ट के लिए 25 करोड़ इंडिविजुअल के लिए नॉन रेगुलेटेड में 100 करोड़ ऑल प्रोडक्ट के लिए 35 करोड़ इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए और कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा कहाँ पे ये दो केस में वन एंड टू सो वन इज़ अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है आप सब एक्सपोर्ट कर रहे हो या मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यानी आपका जो भी रेवेन्यू है बैलेंस शीट के अंदर वो सेवेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा एक्सपोर्ट की वजह से आ रहा है या आपकी कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग इन एसीज हेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपकी कंपनी है तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना नहीं पड़ेगा तो कॉस्ट ऑडिट कराना नहीं पड़ेगा उसके लिए ये दो और कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं रखने पड़ेगे अगर माइक्रो या ये तो ये एक्सेप्शन है और बाकी का मैंने आपको बता दिया ये रूल थ्री एकदम इजी है दोस्तों लर्न कर लो रूल थ्री कॉस्ट रिकॉर्ड रूल फोर कॉस्ट ऑडिट रूल फाइव मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट रिकॉर्ड जो ये अपन ने रूल थ्री में रखे थे ये कैसे मेंटेन करना है वो रूल फाइव बताता है वो आप ये बुक में पढ़ लेना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो रूल सिक्स कॉस्ट ऑडिट अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल सिक्स में बताया है सी आर ए टू ये फॉर्म है चार फॉर्म रहते हैं सी आर ए वन सी आर ए टू सी आर ए थ्री सी आर ए फोर सी आर ए वन बोलता है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड सी आर ए टू बोलता है कॉस्ट ऑडिट सी आर ए थ्री यानी अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर सी आर ए थ्री बोलता है फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट यानी कौन से फॉर्म में कैसे रिपोर्ट देनी है रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है वो फॉर्म सी आर ए थ्री बोलता है और सी आर ए फोर बोलता है फॉर्म ऑफ फिलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सी जी यानी वो फॉर्म रहता है एक उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स फिल करने हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए वगैरह वो सी आर ए फोर बोलता है सो so फ्रेंड्स ये है पूरा कॉस्ट ऑडिट के बारे में यानी आपको एक हिंट आ गई होगी कॉस्ट रिकॉर्ड किसको बोलते हैं रूल थ्री के अंदर बताया है उसमें क्या क्या है रूल फोर के अंदर कॉस्ट ऑडिट कैसे करना है किसको किसको एक्सेप्शन है ये चार फॉर्म है सी आर ए वन सी आर ए टू सी आर ए थ्री सी आर ए फोर अब इसके बाद आपने बस ये बुक एक बार पढ़ लेनी है इसके अंदर का मैंने आपको बता दिया है ये देखिए ये पूरा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड का ये मैंने एकदम आपको सिंपल वे में बताया यहाँ कन्फ्यूज होगा कि रूल फोर ये वो यानी जरा क्लमजी है तो मैंने एकदम एक ये कर दिया है ये नहीं देखो सी आर ए वन फॉर्म कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है काई में मेंटेन करना है सी आर ए टू फॉर्म फॉर्म ऑफ इंटीमेशन यानी कंपनी को सी आर ए टू में गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है कि भैया हमने ये कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है उसके अंदर क्या क्या रहता है रूल थ्री कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जैसे मैंने बताया और ये रूल फोर फॉर्म ऑफ फिलिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ऑडिट रिपोर्ट कैसे करना है उसके दो पार्ट्स रहते हैं बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसके बाद बस आपको ये रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड का तो मैंने बता दिया है कॉस्ट ऑडिट भी बता दिया है इसके बाद आपने ये ये पढ़ने की गरज नहीं है आप डायरेक्टली वन सेकेंड आप फ्रेंड्स आप डायरेक्टली पेज नंबर सिक्सटी थ्री पे आ जाना और ये एफ ए के पढ़ना आपको खुद समझ जाएगा कि यस आई कैन मतलब मुझे समझ रहा है मुझे आ रहा है आप कोई भी क्वेश्चन देख लो अभी ये फोर्टी फिफ्टी क्वेश्चन है तो ये आप पढ़ लेना और आपको अगर लगता है कि तो में नहीं होता है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ ये देखिए डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन का पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इसके अंदर आप खुद आंसर कर पाओगे सी समरी पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी में आता है इकोनॉमिक्स और कॉस्ट ऑडिट उसके अंदर ये देखिए आंसर नीड टू इसके अंदर टू विच कंपनीज रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्ट ऑडिट अंडर रूल फॉर शल नॉट अप्लाई रूल फॉर शल नॉट अप्लाई किसको अप्लाई नहीं है 75 परसेंट ऑपरेटिंग इन एस तो इट इज़ वेरी सिंपल आप बस वो एक बार एफ पढ़ लेना और आप खुद सॉल्व कर पाओगे इसके अंदर और भी बहुत से क्वेश्चन हैं यानी आप एफ पढ़ोगे तो आपको आ जाएंगे जैसे अभी ये है विच रूल्स गवर्न मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट रूल थ्री कॉस्ट रिकॉर्ड रूल फोर कॉस्ट ऑडिट सो इट इज़ वेरी इजी फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग आई एम टेलिंग इन वेरी सिंपल लैंग्वेज बहुत इजी से इजी वे में बता रहा हूँ अगर कुछ चेंज चाहिए अलग वे में चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच